अस्सलाम वालेकुम, आई जैमी किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 300 ग्राम आलू लिए हैं, एक प्याज की डली ली है, एक टमाटर की डली है। सबसे पहले हम मसाले रोस्ट करेंगे। हमने एक चम्मच खड़ा धनिया लिया है, हाफ टी स्पून हमने जीरा लिया है, हाफ टी स्पून से कम हमने अजवाइन लिए है और 1 टीस्पून के करीब सौंफ लिए। अब हम उन्हें रोस्ट कर लेंगे। हमारा रोस्ट होगा, अब हम इसे हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल हमारा गर्म हो गया, उसमें हमने 1 टीस्पून जीरा डाला है, 1 पिंच हम हींग डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज हमने अंडे के में यूज़ करते हैं उस टाइप की बारीक बारीक प्याज काट लिया। प्याज हमारी ब्राउन हो गई, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। टमाटर 2 हरी मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने मसाले रोस्ट करके पीसे वो डालेंगे। ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग दिया है, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रख देंगे, टमाटर भी गल जाए, मसाला भी अच्छे से भून जाए। अब हम इसकी फ्लेम कम कर देंगे और कवर करके रख देंगे जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। चेक करते हैं, टमाटर हमारा करीब करीब सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए और कवर कर देंगे। अब हम हमारे आलू चेक करते हैं। आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आलू की सब्ज़ी हमारी रेडी है, अब हम इसमें डिश आउट कर दिए धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।